डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो हम पहले लेक्चर के बारे में बात कर चुके हैं, हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि जो फ्लावर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग होता है वो मेनली फ्लावर्स के अंदर होता है। हमने फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ लिए थे, याद है आपको, एक नॉन असेंशियल और असेंशियल पढ़ा था। नॉन असेंशियल के अंदर हमने कैलेक्स एंड कोरोला पढ़ा था। कैलेक्स की यूनिट हमने सेपल्स बताई थी, कोरोला की यूनिट हमने क्या बताई थी बेटा, पेटल्स बताई थी। ओके, कलरफुल होते हैं, अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। एंड देन हमने क्या बात की थी बेटा, उनके असेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बात की थी, जहाँ हमने क्या पढ़ा था, मेल एंड द फीमेल फीमेल पार्ट्स, मेल को एंड्रोशियम, फीमेल को गाइनोशियम। मेल के पार्ट्स को हमने क्या कहा था, स्टेमन कहा था यूनिट को, और उसके एंथर एंड फिलामेंट्स पार्ट्स हो गए थे। और फीमेल के अंदर तीन पार्ट्स हो जाते हैं, कार्पल एपिस्टिल कहते हैं, और उसको हमने क्या कहा था बेटा, स्टिग्मा, और फिर क्या कहा था, स्टाइल एंड ओवरी, ओवरी में ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक, और एम्ब्रियोसेक में फीमेल गैमेट बनते हैं। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि जो फ्लावर्स होते हैं, हम बात करते भी दो, अगर एक ही सेक्स ऑर्गन मिल रहा है तो यूनिसेक्सुअल, दोनों मिलेंगे तो बाईसेक्सुअल। ऐसे हमने फ्लावर को डिफरेंस कर दिया था मोनोसिस एंड डायोसिस के अंदर। और फिर हम बात करते कि सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावर्स, या किसी भी सेक्सुअल प्रोडक्शन ह्यूमन बींग के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है तो वो तीन फेज के अंदर कंप्लीट होता है। कितने फेज के अंदर कंप्लीट होता है बेटा, वो तीन फेज के अंदर। सबसे पहले हमने क्या कहा था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बीच, हम एक मेन क्या कह रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, और एक हम क्या कह रहे हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या कह रहे हैं हम, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले के लिए हम प्री वर्ड लगा देते हैं, बाद के लिए पास्ट लगा देते हैं, पोस्ट लगा देते हैं सॉरी। तो हमने क्या कहा भाई, इसके अंदर दो स्टेप्स के अंदर हमने बताई थी, पहली चीज़ क्या होगी, गैमेट फॉर्मेशन, पहली चीज़ क्या होगी, गैमेट फॉर्मेशन होगी, और दूसरे क्या होंगे, गैमेट ट्रांसफर होंगे। क्या होंगे बेटा, गैमेट ट्रांसफर होंगे। ओके, इसमें फ्यूज़न हो जाएगा, फ्यूज़न होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे मेनली किसकी बात कर रहे हैं, फ्लावर्स की, तो इसके अंदर क्या बनेगा बेटा, जायगोट बनेगा, जायगोट फॉर्मेशन हो जाएगी। जायगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और क्या बनता है यहाँ पे, सीड फॉर्मेशन हो जाती है, और क्या, फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि जायगोट से एम्ब्रियो कैसे बनेगा, सीड क्या है, फ्रूट किस तरह से बन रहा है। ओके बेटा, तो ये हम प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे, इसे हम क्या कह रहे हैं, फ्यूज़न ऑफ गैमेट। किस तरह से फ्यूज़न होगा प्लांट्स के अंदर, ये डबल फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होगा, हम वन बाय वन सारी चीज़ें पढ़ेंगे बेटा। ओके, क्लियर है सारे बच्चों को। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में भी हम क्या पढ़ेंगे, गैमेट की फॉर्मेशन। और गैमेट भी आपको पता है कि भाई दो तरह के गैमेट्स होते हैं, एक होते हैं मेल गैमेट, और एक क्या होंगे, फीमेल गैमेट होंगे बेटा। क्या होंगे, फीमेल गैमेट होंगे। क्लियर है सारे बच्चों को। तो पहली जो चीज़ हम पढ़ेंगे, मेल गैमेट पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे, मेल गैमेट। उसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेट, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे गैमेट ट्रांसफ़र, जो क्या होगा बेटा, पॉलिनेशन से होता है प्लांट्स के अंदर, तो हम पॉलिनेशन भी पढ़ेंगे। ओके बेटा, तो हम वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इसको हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, मेल गैमेट्स को हमें जनरल नहीं बताना है आपके लिए, क्योंकि NTSC में पूछते हैं इनमें कौन सी इसकी, क्योंकि वाल कवरिंग भी पूछता है, इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग जगह, तो हम आपको सारा करवाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन से गैमेट के बारे में बात करेंगे बेटा, मेल गैमेट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, मेल गैमेट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आपको पता है मेल गैमेट, मैंने आपको बताया था कि जो मेल पार्ट होता है वो क्या होता है बेटा, एंड्रोशियम होगा। क्या होगा, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की यूनिट क्या थी, स्टेमन थी, और स्टेमन के कितने पार्ट्स थे, दो पार्ट्स थे, याद है सारे बच्चों को। एक पार्ट क्या था, फिलामेंट, जो थैलेमस से अटैच होता है, और दूसरा पार्ट क्या था, एंथर था बेटा। क्या था, एंथर था। एंथर के अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होंगे, मेल गैमेट होंगे बेटा। क्या होंगे, मेल गैमेट। हर पोलन ग्रेन में दो मेल गैमेट है। अब आपको ये सब चीज़ पता लग जाएगी किस तरह से। ओके बेटा, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एंथर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हम एंथर के बारे में। आपको समझना है किसके बारे में बात करेंगे बेटा, एंथर के बारे में। अगर मैं आपको बात करूँ, एंथर को हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम।
तो हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एंथर की, एंथर कैसे बना है। हम सीधा मेल गैमेट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है एंथर, एंथर के अंदर क्या होते हैं पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन में माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर एंड पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन की इनिशियल स्टेज माइक्रोस्पोर होगी। जब माइक्रोस्पोर मैच्योर हो जाता है, ठीक है, इसकी पूरी डेवलपमेंट हो जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है, पॉलन ग्रेन्स कहा जाएगा। और हर पॉलन ग्रेन में क्या बन रहे हैं, मेल गैमिट, और एक पॉलन ग्रेन में कितने मेल गैमिट बनेंगे, दो मेल गैमिट, इसे याद रखना, ठीक है। और माइक्रोस्पोर कहाँ बनेंगे, एंथर के अंदर, कहाँ बनेंगे एंथर, तो हम पहले एंथर पढ़ेंगे फिर माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन और पॉलन ग्रेन से मेल गैमिट कैसे बन रहे, तो हम ये चार चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके बेटा, सीधा नहीं करेंगे कि भाई मैंने बता दिया डिवीजन है इस तरह से, आपको कभी नहीं समझ में आएगा, तो ध्यान देना बेटा। हम क्या पढ़ेंगे इसे, हम एंथर को क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे हैं। अगर मैं आपको सबसे पहले बात करूं, आपने, मैंने कहा भाई इस तरह से ये फिलामेंट है और यहाँ से ये क्या है, एंथर है। मैंने आपको पहले भी बताया था एंथर यहाँ, जैसे कि इमेजिन करना बेटा, आप कभी भी ऐसे नहीं होता भाई ये इमेजिन करो एंथर और यहाँ से ये फिलामेंट हो गया, नहीं, ये दो एंथर हो गए और यहाँ से बैक साइड से होता है बेटा, कहाँ से होगा ये, यहाँ से बैक साइड से आती है बेटा ये, कभी भी ये नहीं कि इधर नीचे से आती है, बैक साइड से आएगी और जहाँ से कनेक्ट होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, कनेक्टिव कहेंगे। फिलामेंट एंथर से जहाँ कनेक्ट है, फिलामेंट अटैच टू एंथर, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, कनेक्टिव नाम दिया गया उसे, क्या नाम दिया गया है, कनेक्टिव नाम दिया गया। अब अगर मैंने एंथर को कर दिया इस तरह से, तो आपको एंथर कैसा दिखाई दे रहा है, दो लोब में दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, दो लोब, तो ये कैसा होता है बेटा, बाईलॉब्ड होता है, याद रखना, मैच्योर एंथर बन चुका है ये, कैसा होगा, बाईलॉब्ड होगा। जब मैंने एंथर को कट कर दिया इस तरह से, तो एंथर इस तरह से दिखाई दे रहा है, बीच में ये कनेक्टिव होगा, जहाँ पे क्या होगा, फिलामेंट अटैच होगा। तो यहाँ पे ये एक लॉब था, ये एक लॉब था, इन लॉब्स के अंदर ये क्या प्रेजेंट होते हैं, थीका बोलेंगे इसे, क्या कहेंगे, थीका बोलेंगे, और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एक लॉब के अंदर कितने हैं, दो थीका हैं, तो डाइथीशियस भी कहते हैं इसे हम। तो याद रखें पहला क्वेश्चन तो मैं यही आ जाएगा, एंथर इज बाईलॉब्ड डाइथीशियस, टेट्राथीशियस नाम नहीं दिया कि टोटल तो चार हो गए, नहीं, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये एक लॉब, एक लॉब के अंदर दो थीका प्रेजेंट है, तो बाईलॉब्ड एंड डाइथीशियस कहा गया है इसे, क्या कहा गया है, डाइथीशियस कहा गया है। और इन्हें हम क्या नाम दे देते हैं, स्पोरेंजिया, क्या नाम दे देते हैं, स्पोरेंजिया या पोलन सेक कहेंगे। ये एरिया जो इस तरह से बन गई, इन्हें हमने क्या नाम दिया, थीका, और थीका के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया एंड पॉलन सेक्स, यहीं पर क्या बनते हैं बेटा, पॉलन सेक्स बनेंगे, और पॉलन सेक है और पॉलन ग्रेन्स यहीं बनते हैं इसी एरिया के अंदर, कैसे बनेंगे अब हम ये डिस्कस करेंगे। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई मेरी, मैंने तुम्हें क्या कहा है, पॉलन एंथर कैसे हैं बेटा, बाईलॉब्ड, और बाईलॉब्ड कैसे, और हर लॉब के अंदर दो थीका हैं, इन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं, थीका, और क्या कहते हैं, डाइथीशियस नेचर कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे, डाइथीशियस। अब मैं बात करूं कि एंथर स्टार्टिंग से ऐसा नहीं होता कि लॉब बन गए, जब एक फ्लावर की डेवलपमेंट होनी शुरू होती है, ठीक है, तो हम सबसे पहले अब हम बात करना शुरू करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एंथर, फॉर्मेशन ऑफ एंथर। तो एंथर अगर सबसे पहले, एंथर को मैंने क्या भी नाम दिया बेटा, याद रखना, माइक्रोस्पोरेंजियम। तुमसे क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि माइक्रोस्पोरेंजियम इज एंथर है, पॉलन ग्रेन है, माइक्रोस्पोर इस तरह से आएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एंथर विल बी द आंसर। जब ये फ्लावर बनना शुरू होता है, तो ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, राउंड इस तरह से, स्फेरिकल मतलब कुछ भरा हुआ होता है, इसके अंदर सारी की सारी सेल्स कैसी होती हैं, मैरिस्टमैटिक सेल्स होंगी, कैसी सेल्स होंगी, मैरिस्टमैटिक मतलब डिवीजन करेगी, और बाहर ये किससे कवर्ड होता है, आपको पता है प्लांट के अंदर किसी की भी सेल के आउट जो सॉरी किसी की भी आउटर कवरिंग क्या कहलाई जाती है, एपिडर्मिस कहलाई जाती है। लीफ की भी आपने कवरिंग पढ़ी, हर एक की आप कवरिंग पढ़ते हो, क्या कहलाई जाती है, एपिडर्मिस, और ये हमने क्या कह दिया, इसके अंदर कैसी सेल्स हो गई है, मैरिस्टमैटिक सेल्स हो गई है। आगे मेरी बात समझ में, तो इनिशियल स्टेज में ऐसे इस तरह का नहीं होता है कभी भी, ठीक है, हमने क्या कहा बेटा, सबसे पहले कैसी शेप होगी, स्फेरिकल, कंटिन्यू डिवाइड होता है, और बाद में इसकी सेल
कैसे बन जाती है स्क्वायर शेप में, कैसे बन जाती है बेटा स्क्वायर शेप में, और ये कौन सी सेल्स होंगी, यहाँ पर भी एपिडर्मिस ही सेल्स होंगी, वे कवर्ड अंदर पूरी सेल्स कौन सी है, मैरिस्टमैटिक सेल्स है। कैसी सेल्स है बेटा यहाँ पे, ये मैरिस्टमैटिक सेल्स है। ओके, अब ये मैरिस्टमैटिक सेल्स कॉर्नर्स पर मॉडिफाइड हो जाती है, ठीक है। मैरिस्टमैटिक सेल्स मॉडिफाइड ऑन कॉर्नर्स, मतलब मॉडिफाइड परमानेंट में नहीं हुई है, बीच में होएगी जहाँ से कनेक्टिव बनेगा खाली। मैरिस्टमैटिक सेल्स मॉडिफाइड ऑन द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे मॉडिफाइड हो जाती है, जिन्हें हम क्या नाम दे देते हैं, आर्चिस्पोरियल सेल्स कह देंगे। क्या कह देंगे, आर्चिस्पोरियल। कंटिन्यू इस तरह से डिवाइड होता है। अब इसकी धीरे धीरे शेप सी चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चेंज, क्योंकि मेरिस्टमैटिक सेल इस तरह से क्या कर लेता है, अपने आप को ये शिफ्ट कर लेता है, यहाँ पे क्या कर लेगा बेटा, अपने आप को यहाँ पे शिफ्ट कर लेगा, ये मॉडिफाइड सेल्स हो जाती हैं। क्या हो जाएंगे बेटा यहाँ पे, ये मॉडिफाइड सेल्स हो जाती हैं पूरी। अभी इसके अंदर सब डिवीजन की कैपेबिलिटी है, डिवाइड करेंगी, ठीक है बेटा। ये पॉलन इसलिए हमने कहा ये चार कॉर्नर्स के अंदर ठीका बनते हैं इसके बाद में ऐसे, तो ये क्या हो गया बेटा, इस तरह से ये मॉडिफाइड हो गई है। क्या हो गई, इस तरह से ये मॉडिफाइड हो गई है, और बीच में धीरे धीरे परमानेंट इश्यू हो जाएगा। और यहाँ से क्योंकि कोई चीज़ अटैच होती है, तो यहाँ इस एरिया को हम क्या नाम दे देते हैं, कनेक्टिव कह देते हैं, जिससे फिलामेंट अटैच होगा, परमानेंट सेल्स हैं। और ये बाहर पूरी की पूरी सेल्स कौन सी होगी, एपिडर्मिस ही होगी। याद रखना बेटा, एंथर की जो पहली ये कवरिंग है, ये कौन सी बन रही है, एपिडर्मिस। कौन सी बन रही है बेटा, एपिडर्मिस बन रही है, ठीक है। कौन सी बन रही है, सारा ऐसे बना लेना, क्या बन गई है। आपको इतना नहीं, खाली समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। इतनी मेरी बात समझ में, स्टार्टिंग में कैसा था, ये स्फेरिकल था, फिर कंटिन्यू इस तरह से हुआ, और ऐसा इसका मॉडिफिकेशन हो जाता है। अब ये आर्चिस्पोरियल सेल्स, ध्यान देना, आप मैं एक फ्लो चार्ट बना रही हूँ आपको सीधा सा। आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड करती है और दो तरह की सेल्स बना देती हैं, क्योंकि बेटा तुमसे इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा हैप्लॉइड है, कौन सा डिप्लॉइड है। अभी तक सारी की सारी सेल्स डिप्लॉइड ही चल रही हैं। अब यहाँ से याद रखना बेटा, क्या बताया मैंने, आर्चिस्पोरियल सेल्स, ये आर्चिस्पोरियल सेल्स ने डिवाइड किया एंड टू टाइप की सेल्स बना दी, अलग 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 तरह की। एक सेल्स को, आउटर सेल्स को हम क्या कहते हैं, पैराइटल सेल्स। आउटर सेल्स को हम क्या कहेंगे, पैराइटल सेल्स कहेंगे। और अंदर वाली सेल्स को, इनर सेल्स को हम क्या कहेंगे, स्पोरोजीनस कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पोरोजीनस सेल्स कहेंगे, ठीक है बेटा। और ये कैसे डिवाइड कर रही है, माइटोटिक ही डिवाइड कर रही है, मतलब इक्वेशनल डिवीजन ही है। क्या है, इक्वेशनल। ये प्लांट ने डिप्लॉइड सेल्स थी, तो इनके अंदर भी डिप्लॉइड सेल्स ही रहेगी, और ये भी अभी तक क्या है बेटा, डिप्लॉइड सेल्स ही है। क्या है अभी तक, ये डिप्लॉइड सेल्स। पता लगा, इन्हें हमने क्या नाम दे दिया, आर्चिस्पोरियल सेल्स कह दिया। आर्चिस्पोरियल ने डिवाइड किया, आउटर क्या बना दी है, पैराइटल। इस तरह से डिवाइड करेगी वो, आउटर क्या बना देगी बेटा, ये इस तरह से पूरी लेयर क्या बना देगी, पैराइटल की। अंदर का जो मास होगा, इसे हम क्या कहेंगे, स्पोरोजिनस। आपको स्पोर से पता लग रहा है, माइक्रोस्पोर वही बनाएगी, पोलन ग्रेन वहीं से बनेंगे, ठीक है बेटा। अब पैराइटल सेल्स डिवाइड करती है कंटिन्यूअसली, क्या करेगी, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रही है। और कैसे ही डिवाइड कर रही है, माइटोटिकली ही डिवाइड कर रही है। माइटोटिकली का मतलब हमेशा याद रखना, इक्वेशनल डिवीजन। क्या है बेटा, ये इक्वेशनल डिवीजन से ही डिवाइड कर रही है। अब माइटोटिकली इन्होंने डिवाइड कर दिया है, और ये तीन तरह की सेल्स बनाएंगी। कितने टाइप की सेल्स बना देती है, तीन टाइप की। तीन मतलब तीन कवरिंग में बनाएगी, आउटर बनाती है तीन टाइप की, जो क्योंकि लेयर में इस तरह से अरेंज हो रहा है, आउटर मिडल एंड इनर लेयर बना रही है। क्या बना रही है, आउटर मिडल एंड इनर लेयर। आउटर लेयर को क्या कहा जाता है, एंडोथीशियम। क्या कहा जाता है, एंडोथीशियम। मिडल लेयर ये सिंगल लेयर में ही होती है, ये कैसी होगी बेटा, सिंगल लेयर के अंदर होगी, ये टू टू थ्री लेयर्स के अंदर होगी, और इसे क्या नाम दिया गया है, मिडल लेयर।
मिडल का नाम क्या है, मिडल लेयर है, अंदर वाली भी सिंगल लेयर ही होती है, जिसे क्या नाम दिया गया है, टेप्टम कहा गया है। क्या कहा गया, टेप्टम। ये तीनों ही एंथर की वाल बनाती है। क्या बनाएगी, एंथर की वाल। तो एंथर की वाल अगर हम बात करेंगे तो तीन लेयर्स हो जाती हैं। अभी रुकना एक चीज़, एक हमने क्या कहा, एंडोथीशियम आउटर वाली, मिडल वाली, मिडल लेयर, अंदर वाली क्या हो जाएगी, टेप्टम हो जाएगी, टेप्टम हो जाएगी। क्लियर है बेटा। अब तुम्हारे पास काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है, विच वन इज द कवरिंग ऑफ एंथर, एंथर की कवरिंग कौन सी है। तो वहाँ पे एपिडर्मिस भी वर्ड लिखा मिलेगा। भाई एपिडर्मिस तो स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट है, तो वो तो होगी ही होगी, एपिडर्मिस तो स्टार्टिंग से प्रेजेंट है, वो तो है ही है। तो आपका अरेंजमेंट पूछा जाता है, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ एंथर की, तो पैराइटल ने बाद में बनाई है, एपिडर्मिस स्टार्टिंग से प्रेजेंट है। तो इसमें से आपका अरेंजमेंट पूछा जाता है, फ्रॉम आउटर टू इनसाइड, आउटर टू इनसाइड एंड इनसाइड टू आउटर। तो आउटर वाली भी पहले एपिडर्मिस लिखना पड़ेगा, फिर कौन सी हो जाएगी, एंडोथीशियम हो जाएगी, फिर मिडल लेयर हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगी, टेप्टम लेयर। अगर हम इंदर अंदर से बाहर करेंगे तो टेप्टम, मिडल, एंडोथीशियम एंड द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एंथर वाल, लेकिन वो बनी नहीं है, वो किसने बनाई है, पैराइट, वो ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही उसके अंदर प्रेजेंट थी। तो इसे इग्नोर कभी नहीं करना है, हमें तीन याद रख लेते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपको एपिडर्मिस भी याद रखना है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। एपिडर्मिस एंडोथीशियम एंड द मिडल लेयर है, ये इसको प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्टिव वाल कहलाई जाएंगी। क्या कहलाई जाएंगी, प्रोटेक्टिव वाल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वाल होती है वो टेप्टम होगी। क्या होगी, टेप्टम। ये माइटोटिकली डिवाइड है बेटा, क्वेश्चन पूछेंगे कौन कौन सी डिप्लॉयड नेचर की है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, बट ये वाली पॉलीप्लॉइडी मैनी सेट में हो जाती है। क्यों हो जाती भी मैं आपको बता रही हूँ। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, आ रही है मेरी बात समझ में। सारा डायग्राम हम फिर लास्ट में पूरा बनाने के बाद बनाएंगे बेटा, एक बार तुम ध्यान देना सारे बच्चे। हमने क्या कहा है कि आर्चिस पोरियल सेल ने डिवाइड किया दो तरह से, माइटोटिक डिवीजन ही हो रहा है, आउटर पैराइटल बना रही है, अंदर वाली स्पोरोजिनस बना रही है, आउटर ने डिवाइड होकर एंथर वाल बनाई है जिसकी तीन कवरिंग है, आउटर मिडल एंड इनर लेयर है, जिसने माइटोटिकली डिवाइड किया, इक्वेशनल है। एंडोथीशियम सिंगल लेयर, ये दो या तीन लेयर के अंदर, और ये सिंगल लेयर ही होती है, और ये इसे तो हमने डिप्लॉइड कह दिया, बट इसे हमने क्या कह दिया, पॉलीप्लॉइडी, मैनी सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स कह दिया। क्या कह दिया हमने इसको, मैनी सेट। क्यों का, सपोज अगर हम बात करेंगे, ये तो खाली से प्रोडक्शन का ही काम कर रही है, अगर हम फंक्शन की बात करेंगे, टेप्टम का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेप्टम। सबसे पहले टेप्टम तो क्या करती है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट, क्योंकि इसको डिवाइड होने के लिए नरिशमेंट चाहिएगा, इट डिवाइड नरिशमेंट टू स्पोरोजिनस सेल्स, नरिशमेंट टू स्पोरोजिनस सेल्स, ताकि पॉलन ग्रेन वो बना सके। अब नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, ये सिंगल लेयर में ही होती है और सात या आठ नंबर में ही होती है, सिंगल लेयर है या सात या आठ टेप्टम होती है, अंदर ये पूरा का पूरा क्या है, स्पोरोजिनस सेल्स है। इसको कंटिन्यूअसली न्यूट्रिशन चाहिए, क्या चाहिए, कंटिन्यूअसली न्यूट्रिशन। अब दिक्कत आ गई है, क्योंकि क्योंकि डिवाइड करेगी, एक से चार बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये मियोटिकली डिवीजन होगा, अब नंबर बढ़ेगा। आपको सीधा सा एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, भाई आपकी छोटी सी फैमिली है, चार मेंबर की फैमिली है, पेरेंट्स है, दो बच्चे हैं, ठीक है, एक फैमिली है, आपके अंदर जो खाना लेके आ रहा है आपके लिए बिल्कुल सफिशियंट है, रोज आराम से पूर्ति हो रही है, बट अब आ गए हैं गेस्ट, तीन चार गेस्ट आ गए, अब मम्मी क्या, वो जो आपका चार लोगों का खाना बना रही थी उसी से काम चल जाएगा, नहीं चल रहा ना, तो क्या हुआ भाई, उसने खाने की कंसंट्रेशन बढ़ाई। अब आपकी छोटी सी 20 मेंबर की पार्टी कर रहे हो, कि छोटा सा बर्थडे आ गया, अभी आस पड़ोस वाले को बुला लेंगे, तो क्या उसी से काम चल जाएगा। तो आपने न्यूट्रिशन की वैल्यू बढ़ाई या नहीं बढ़ाई, बढ़ाई ना, बाहर से खाना लेके आए भाई आपके पास था, या आपके पास जो स्टोर खाना था आपने उसे यूज़ किया और उसको आपने मेहमानों को खिलाया। अब यही कंडीशन इसके पास है, ये तो बेचारी आठ या नौ नंबर के अंदर ही है, लेकिन जब ये डिवाइड होगी म्यूटिकली, नरिशमेंट चाहिएगा, तो यही इसे नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है, यही इसे टेप्टम क्या कर रही है, नरिशमेंट। तो इसका न्यूक्लियस अंदर डिवाइड हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर बढ़ेंगे, डीएनए नंबर बढ़ेगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, तभी प्रोटीन बढ़ेंगे, तभी तो उसे नरिशमेंट प्रोवाइड कर पाएगा वो डीएनए से आरएनए, क्योंकि यहाँ पे अंदर क्या बढ़ाएगा, वो प्रोटीन बढ़ाएगा। कब बढ़ाएगा, जब अपना न्यूक्लियस को डिवाइड करना शुरू करेगा,
सेल डिवाइड नहीं कर रही इसकी, ओनली क्या करेगा न्यूक्लियस, ताकि डीएनए का नंबर बढ़ सके, डीएनए से आरएनए बढ़ेगा और आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी और प्रोटीन इसको मेन न्यूट्रिएंट होगा, इसलिए क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता हुआ चला जाएगा, इसलिए सेल कैसी हो जाएगी, पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, सारी की सारी यहाँ तक क्या कही हमने, ये डिप्लॉयड है बट ये नेचर की क्या हो गई है, पॉलीप्लॉइडी। क्यों हो गई है? बिकॉज इसे क्या प्रोवाइड करना पड़ रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना पड़ रहा है। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? सेकंड इंपॉर्टेंट काम ये क्या करती है, इट फॉर्म अ लिपिड बॉडी। सारे इंपॉर्टेंट काम करेगी बेटा, इट फॉर्म अ लिपिड बॉडी विच इज कॉल्ड एज, लिपिड की एक लेयर बनाएगी, इट फॉर्म अ लिपिड लेयर या लिपिड मॉलिक्यूल की एक लेयर बनाएगी जिसे हम यूबिश बॉडी कहते हैं। क्या कहेंगे? जिसे हम यूबिस बॉडी कहेंगे। और ये यूबिस बॉडी आगे जाके एक स्पोरोपोलेनिन बनाती है, जो पोलन ग्रेन की आउटर कवरिंग होगी, जो पोलन ग्रेन की क्या होगी बेटा, आउटर कवरिंग होगी। क्या होगी? आउटर कवरिंग। स्पोरोपोलेनिन क्या चीज़ है, हम सब डिस्कस करेंगे पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। आगे मेरी बात सुन बेटा, तो मैंने क्या कहा यहाँ पे, ये दूसरा काम क्या करे कि लिपिड लेयर यूबिस बॉडी स्पोरोपोलेनिन बनाती है, और स्पोरोपोलेनिन आज तक का इस अर्थ पर ऐसा केमिकल है जिसे कोई एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर पाया, कोई एंजाइम इसे तोड़ नहीं पाया। द मोस्ट प्रिजर्वेटिव, नेचुरल प्रिजर्वेटिव है वो कौन है, स्पोरोपोलेनिन है। याद रखना बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? तो इसने क्या बनाया, स्पोरोपोलेनिन बनाता है। थर्ड, अगर मैं इसका फंक्शन बात करूं, थर्ड अगर मैं इसके फंक्शन के बारे में बात करूं, तो ये पोलन किट बनाती है, जो येलो कलर की पोलन किट होगी, इट फॉर्मेशन द पोलन किट, जिसके अंदर पोलन्स रहेंगे। आपने कभी एंथर को ऐसे करके देखना, आपके हैंड्स पे पोलो येलो येलो कलर के लग जाएगा, चलो पोलन किट होती है। पोलन किट इसलिए होती है, इंसेक्ट पॉलिनेटर्स होते हैं, जो इंसेक्ट पॉलिनेट करेंगे उसके ऊपर होंगे तो वो चिपचिपी सी होगी, ताकि वो उसके ऊपर चिपक जाए और जो दूसरे फ्लावर के ऊपर जाए तो उसे हटाएगी तो वो वहाँ पे चले जाएंगे, तो पॉलिनेशन में हेल्प करेगी। तो पोलन किट की फॉर्मेशन भी कौन करती है, टैप्टम ही करती है। कौन करती है? टैप्टम। एंड दिस टैप्टम ऑल्सो फॉर्म एन एंजाइम, एक एंजाइम बनाती है, जिस एंजाइम को क्या कहेंगे, कैलेज एंजाइम कहेंगे। क्या कहेंगे? कैलेज। बिकॉज जो स्पोरोजिनस सेल जब माइक्रोस्पोर बनाएगी तो ये ज्वाइन होंगे, माइक्रोस्पोर सारे के सारे क्या होंगे बेटा, ज्वाइन होंगे। कैलोज, कैलोस क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, उससे ज्वाइन होंगे। तो उसको तोड़ने, उनको अलग करने के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, और वो एंजाइम भी कौन प्रोवाइड करता है, टैप्टम प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा? टैप्टम। तो ये चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, किसके फंक्शन है, टैप्टम के फंक्शन है। पहला मैंने क्या कहा, इट प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द स्पोरोजिनस सेल्स। दूसरा मैंने क्या कहा, यूबिश बॉडी बनाएगी जो स्पोरोपोलेनिन फॉर्मेशन करती है। थर्ड क्या बनाएंगी, पोलन किट बनाएंगी जो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स के लिए जरूरी होता है। एंड फोर्थ अगर हम बात करेंगे, एंजाइम्स बनाए। सब में पोलन किट की फॉर्मेशन नहीं होगी, जनरली इंसेक्ट पॉलिनेशन प्लांट जो इंसेक्ट से पॉलिनेट हो रहे हैं उन्हीं के अंदर पोलन किट बनती है, और एंजाइम्स कैलेज एंजाइम बनाएगी ताकि यहाँ इन माइक्रोस्पोर्स को अलग कर सके। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? इतने मेरी बात समझ में आई। तो मैंने अभी एक चीज़ के बारे में बात की कि आर्चिस पोरियल सेल्स थी डिवाइड की, दोबारा से पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी। इन्होंने माइटोटिकली डिवाइड किया, पैराइटल सेल्स बनाई, स्पोरोजिनस सेल्स बनाई, या पैराइटल सेल ने डिवाइड करके तीन तरह की सेल्स बनाई, एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर और टैप्टम बनाई। ये प्रोटेक्शन का काम करेगी टैप्टम, इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। और टैप्टम का नेचर कैसा हो गया है, पॉलीप्लॉइडी। कैसा नेचर हो गया है बेटा, पॉलीप्लॉइडी नेचर हो गया है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे बेटा, सेकंड वन हम जो बात करेंगे वो हम स्पोरोजिनस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे, स्पोरोजिनस के बारे में बात करेंगे बेटा, ठीक है। सेकंड हमने क्या कहा था यहाँ पे, स्पोरोजिनस सेल्स होंगी, और ये स्पोरोजिनस सेल नरिशमेंट लेंगी, थोड़ा साइज बढ़ाएंगी, एंड दे बिहेव एज, आगे जाके यही माइक्रोस्पोर बनाएंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर ही मैच्योर होकर पोलन ग्रेन बनाता है, या इसे हम क्या कह देंगे, पोलन मदर सेल्स कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा, पोलन मदर सेल्स, MMC कह देते हैं या PMC कह देते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। बिहेव कर रही है, ये भी अभी कैसी है बेटा, डिप्लॉयड नेचर की है।
कैसे बेटा अभी ये भी डिप्लॉयड नेचर की ही होती है। कैसे नेचर की होगी? डिप्लॉयड नेचर की ही होगी। क्लियर बेटा सारे बच्चों को? अब ये क्या करेगी? मियोटिकली, मियोसिस से डिवाइड करेगी। क्या करेगी? मियोसिस से डिवाइड करेगी। अब याद रखना, कोई भी सेल मियोसिस होता है वो दो डिवीजन में पूरा होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट होगा वहाँ दो सेल बनेंगी, ठीक है, हैप्लॉयड, और यहाँ पे जो दो सेल बनेंगी, एक से फिर क्या बन जाएगी? चार। तो एक डिवाइड होके चार सेल बनाएंगी। ये मियोसिस तो कैसा डिवीजन होता है? रिडक्शन डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होगा? रिडक्शन। ये मियोसिस सेकंड बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही होगा, ठीक है बेटा। और ये कैसा डिवीजन होगा? इक्वेशनल होगा। ये नहीं कि भाई इसके अंदर तो 46 क्रोमोसोम थे, 23 यहाँ पे आए, 23 तो यहाँ पे 23 के आधे आधे होंगे, नहीं। यहाँ सबके अंदर कितने होंगे? 23 23 23। यहाँ पे गैमेट बनेंगे और ये सारे कैसे हो जाएंगे? हैप्लॉयड हो जाएंगे। सारे कैसे हैं? हैप्लॉयड हो जाएंगे। अब इससे आगे जो जो चीज़ें आएंगी वो सारी कैसी नेचर की होगी? हैप्लॉयड नेचर की होगी। बिकॉज कौन सा डिवीजन हुआ है? मियोसिस डिवीजन हुआ है। इसके अंदर देखो कितनी सेल्स थी, एक सेल से, एक एंथर के अंदर लाखों पोलन ग्रेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? लाखों पोलन ग्रेन्स बनेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ से इसने मियोसिस डिवाइड किया और मियोसिस डिवाइड होके क्या बनाया उसने? एक से क्या बन रही है? माइक्रोस्पोर बनेंगे। चार माइक्रोस्पोर बनाए। बट ये माइक्रोस्पोर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के अंदर होते हैं इन 60% प्लांट्स। ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके लेवल तक मैं आपको बता रही हूँ। 60% प्लांट ये माइक्रोस्पोर टेट्राहेड्रल में होंगे। टेट्राहेड्रल इस तरह से होते हैं, चार का अरेंजमेंट होगा, डिवाइड हुआ, चार बनाई। अब आप कहोगे तो तीन बनी, चौथी इसके पीछे होती है। चौथी क्या होगी? फोर्थ क्या होगी? इसके बैक साइड पर होगी। क्या होगी बेटा? बैक साइड पर। इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाया जाता है? टेट्राहेड्रल। तो 60% के अंदर इस तरह से बनेंगी। किसी के अंदर, कुछ के अंदर क्या होती है बेटा? लीनियर बनती है। चारों ऐसे अरेंज में होंगी, चार इस तरह से अरेंज में होगी, और किसी के अंदर क्या होंगी बेटा? ये क्या होंगी? इस तरह से बनेंगे, आइसोबायलेटरल कहेंगे इसे। तो डिफरेंट डिफरेंट बनते हैं, लेकिन कॉमनली क्या बनते हैं? सारे अटैच होंगे, और अटैच किससे होते हैं? कैलोज से चिपके हुए होते हैं आपस में। यहाँ पे जो ये लेयर से क्या होती है बेटा? चिपकी हुई होती है। क्या होगी? चिपकी हुई होगी। इसे हम क्या कहेंगे? ये माइक्रोस्पोर बन गए हैं। टेप्टम इसको कंटिन्यू सराउंड करा है। टेप्टम यहाँ से क्या रिलीज करेगा इस टाइम? कैलेज एंजाइम रिलीज करेगा, और ये कैलेज एंजाइम इसे डाइजेस्ट करेगा, और चारों के चारों माइक्रोस्पोर क्या हो जाएंगे? अलग हो जाए। ऐसी ही शेप होती है बेटा पहले माइक्रोस्पोर्स की। टेट्राहेड्रल में यही शेप होगी, बाकी में स्फेरिकल भी आएगी, ठीक है। तो इस तरह की क्या हो जाएगी? ये शेप हो जाएंगी। ये चारों माइक्रोस्पोर क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? अलग हो जाएंगे। इन्हें हम क्या कह रहे हैं? माइक्रोस्पोर। क्या बन गए हैं? माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर कैसे नेचर के हो गए हैं? हैप्लॉयड नेचर के हो गए हैं। क्या हो गए हैं? हैप्लॉयड नेचर के हो गए हैं। अब ये माइक्रोस्पोर कंटिन्यूसली नरिशमेंट ले रहा है टैप्टम से। किसे नरिशमेंट ले रहा है? टैप्टम से नरिशमेंट। अभी टैप्टम के अंदर ही बाहर नहीं निकले हैं। एट दिस टाइम इस तरह की शेप थी, तो अब ये क्या हो जाएगा? नरिशमेंट लेकर रहेगा, अपना साइज एनलार्ज कर लेगा, और कैसी शेप बन जाएगी इसकी? स्फेरिकल बन जाएगी। कैसी शेप बन जाएगी इसकी? स्फेरिकल बन जाएगी। और अब इसे हम क्या कहेंगे? पॉलन ग्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलन ग्रेन। और ये पॉलन ग्रेन के अंदर क्या बनेगा बेटा? मेल गैमेट बनता है। क्या बनता है इसके अंदर? मेल गैमेट बनेगा। अब अभी मैंने क्या कहा, टैप्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी ये पोलन ग्रेन पूरा नहीं हुआ है, शेप स्फेरिकल बनी है। इसके अब लेयर बनेगी, ये दो लेयर बनेंगी बेटा। क्या बनेंगी यहाँ पे? ये दो लेयर बनेंगी। अब देखो एक जगह मैंने इनको इस तरह से कंटिन्यूस नहीं होगी, यहाँ पे गैप होगा, एक आउटर लेयर बनती है इसकी। मैंने कहा ना स्पोरोपोलनिन, तो ये वही आउटर लेयर है, और एक ये इनर लेयर बनेगी। क्या बनेगी? इनर। और यहाँ पे ये न्यूक्लियस होगा इसका, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? पोलन ग्रेन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम? पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर था, मैच्योर हुआ, इसने नरिशमेंट लिया, शेप चेंज हुई, तो इसे हम क्या कहेंगे? पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर भी पोलन ग्रेन। देखो थोड़ा सा डिफरेंस यही है। तो इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या होगा? मेल गैमिट होगा।
क्या होगा, मेल गैमेट। तो पोलन ग्रेन का पूरा स्ट्रक्चर हम हमारे दूसरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे, थोड़ा सा वेट करना बेटा। अभी आप, मैं अगर आपको बात करूं तो यहाँ तक जो मैंने अभी आपको बताया एंथर फॉर्मेशन, क्या बताया हमने, ये एंथर के अंदर इस तरह से सारी चीज़ें होंगी बेटा। क्या होंगी, एंथर के अंदर ये सारी चीज़ें इस तरह से होंगी। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? अब सबसे पहले आपको जो चीज़ याद रखने, दोबारा से फटाफट देखो एक बार, पहले फ्लो चार्ट बनाती हूँ फिर रिवीजन करवाती हूँ। हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं फ्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर सबसे पहले हम मेल गैमेट पढ़ेंगे, और मेल गैमेट कहाँ बन रहा है, एंथर के अंदर, और एंथर को हमने क्या नाम दिया है, माइक्रोस्पोरेंजियम कहा है हमने। क्या कहा बेटा हमने, माइक्रोस्पोरेंजियम कहा है। एंथर कंटिन्यूअसली स्टार्टिंग में कैसा स्ट्रक्चर था, स्फेरिकल स्ट्रक्चर था, ठीक है। कैसी सेल्स थी उसके अंदर, मैं खाली फ्लो चार्ट बना रही हूँ, कैसी सेल्स थी बेटा, मैरिस्टमैटिक सेल्स थी। अब मैरिस्टमैटिक सेल्स ने क्या कर लिया, मॉडिफाइड कर लिया, और कहाँ शिफ्ट हो गए, इन पोलन सैक्स के अंदर, पोलन सैक के अंदर या कॉर्नर में शिफ्ट हो गई हैं। और क्या नाम दे दिया गया था, उधर डायग्राम बनाऊंगी बेटा मैं, आर्ची स्पोरियल सेल्स का, क्या कहा, आर्ची स्पोरियल सेल। आर्ची स्पोरियल सेल क्या हो गई, डिवाइड हो गई, ठीक है। और यहाँ तक की सारी सेल अभी कैसी है, डिप्लॉयड नेचर की है। सारी सेल कैसी है बेटा, डिप्लॉयड नेचर की है। आर्ची स्पोरियल सेल ने डिवाइड किया, दो तरह की सेल कैसे डिवाइड कर रही है, माइटोटिक, मतलब इक्वेशनल डिवीजन ही हो रहा है बेटा। पहली सेल्स कौन सी बनाई इसने, पराइटल। आउटर सेल कौन सी बनाएगी, पराइटल बनाएगी। और अंदर वाली सेल्स कौन सी बनाएगी, स्पोरोजीनस सेल्स बनाएंगी। क्या बनाएंगी, स्पोरोजीनस सेल्स बनाएंगी। आउटर पराइटल ने तीन तरह की सेल्स बना दी है, पहली क्या बना दी है, एंडोथीशियम। आउटर कौन सी बनाई है, एंडोथीशियम, जो सिंगल लेयर के अंदर होगी। दूसरी कौन सी बना दी है बेटा इसने, यहाँ पर क्या बना दिया, मिडल लेयर बना दी है। क्या बना दिया बेटा, मिडल लेयर, जो कितने के अंदर होगी, दो या तीन लेयर के अंदर होगी। और अंदर वाली इनर लेयर क्या नाम दिया उसको, टैप्टम कहा है। क्या कहा है, टैप्टम। ये कैसे नेचर की होगी, प्रोटेक्टिव नेचर की होगी। कैसे नेचर की होगी, प्रोटेक्टिव। और टैप्टम का मैंने आपको बताया, एक तो क्या काम कर रही है, नरिशमेंट, इसको नरिशमेंट देना पड़ता है, इसलिए कैसी नेचर की हो गई, पॉलीप्लॉइडी हो गई, क्रोमोसोम नंबर बढ़ा लिए इसने, ओके बेटा। दूसरा ये क्या बनाती है, यूबिश बॉडी बनाएगी, और यूबिश बॉडी क्या बनाएगी, स्पोरोपोलेनिन बनाएगी। क्या बनाएगी बेटा, स्पोरोपोलेनिन बनाएगी। थर्ड ये क्या करती है, एंजाइम रिलीज करेगी, कैलेस। चौथा, और कैलेस क्या करेगा, कैलोस को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, जहाँ पे माइक्रोस्पोर कनेक्ट होंगे एक दूसरे से। और लास्ट में हमने क्या कहा, ये क्या भी बनाती है, पोलन किट की फॉर्मेशन भी टैप्टम ही करेगी। क्लियर है सारे बच्चों को? और इस स्पोरोजीनस सेल्स थोड़ी नरिशमेंट ले रहे हैं यहाँ से, तो किसकी तरह बिहेव करेगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल या किसकी तरह पोलन मदर सेल। ये अभी तक कैसी है बेटा, डिप्लॉयड ही है। कैसी है, डिप्लॉयड है, याद रखना बेटा। और यहाँ पर ये कैसे डिवाइड करेगी, मियोटिकली डिवाइड करेगी। कितनी सेल बनाए, एक की बात करूँ मैं, सबकी नहीं कर रही, एक सेल ने डिवाइड होकर चार सेल्स बनाई हैं। और ये क्या बनाई है बेटा, माइक्रोस्पोर बनाए हैं, और माइक्रोस्पोर टेट्राड कह रहे हैं, क्योंकि चार के अरेंजमेंट में चारों ज्वाइंट है, और ज्वाइंट किससे होते हैं, कैलोस से। और कैलोस को डाइजेस्ट कौन करेगा, ये वाला एंजाइम करेगा। और इस तरह से क्या होंगे बेटा, बाहर निकल गए माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। और माइक्रोस्पोर जब मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, लेयर बना देगा यहाँ पे, और इसे हम क्या नाम देंगे, पोलन ग्रेन, जब स्फेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर हो जाएगा। तो पोलन ग्रेन क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आते ही हम बाद में पढ़ेंगे क्या कहा जाता है पोलन ग्रेन को, सब चीजें, ओके बेटा। क्लियर है, ये यहाँ पे क्या बन गए, माइक्रोस्पोर्स बन गए। अब हम डायग्राम अगर शुरुआत से करें, एंथर था, स्फेरिकल स्ट्रक्चर था, बाहर किससे कवर्ड हो रहा था, देखो याद हो जाएगा आपको इस लेक्चर के अंदर। एपिडर्मिस सेल्स थी, अंदर कौन सी सेल्स थी, मैरिस्टमैटिक सेल्स थी। ये यहाँ पे क्या हो गया, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लिया, सॉरी कैसा स्ट्रक्चर बना लिया, स्क्वायर बना लिया। एपिडर्मिस से यहाँ पे सारी चीजें प्रेजेंट है बेटा। अब यहाँ पे एकदम से शेप चेंज नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगी, शिफ्ट हो गई है ये सेल्स। क्या हो गई बेटा, यहाँ पे शिफ्ट हो गई है इन्हें क्या, और ये बाहर आप बना लेना बेटा, आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना, मैं आपने खाली आपको समझाने के लिए बताया आपको, ठीक है। आर्ची स्पोरियल सेल्स, अब क्या होगी, आर्ची स्पोरियल सेल्स होगी, बीच में कनेक्टिव होगा, परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर हम बात करेंगे धीरे धीरे, अब इसकी शेप कंटिन्यू डिवाइड होगी, तो धीरे धीरे इसकी शेप बिल्कुल
छः आखिरी शेप ये वाली आ जाती है डाइथीशियस में इस तरह से। बीच में ये क्या होता है, यहाँ पे कनेक्टिव होगा, क्या होगा, कनेक्टिव सेल्स है बेटा, कनेक्टिव होगा। अब यहाँ पे जो स्पोरोजिनस सेल्स थी ये बाहर क्या है बेटा, पूरी जगह पे बाहर की तरफ देख लो बेटा, क्या बना रही, बोलो सारे बच्चे, कौन सी सेल्स है, वेरी गुड, एपीडर्मिस सेल्स है बेटा। कौन सी सेल्स है सारी की सारी, ये एपीडर्मिस, बहुत अच्छे बेटा। कौन सी सेल्स है, ये सारी एपिडर्मिस सेल्स है। कौन सी सेल्स है, ये सारी की सारी एपिडर्मिस। और यहां पे कौन सी सेल्स हो गई है, आर्ची स्पोरियल सेल्स हो गई है। क्या हो गई, आर्ची स्पोरियल सेल्स हो गई है। अब आर्ची स्पोरियल सेल ने डिवाइड किया, आउटर क्या बना दिया इसने, ये पराइटल बना दिया है। अब देखो मैं सब में ऐसे बनता हुआ चला जाएगा, आउटर क्या बना दिया बेटा, पराइटल लेल सेल्स बना दी है, अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, स्पोरोजिनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पोरोजिनस सेल्स हो गई है। अब ये पराइटल सेल डिवाइड करेगी, ये बना दो बेटा इसके, यहाँ बना देती हूँ, चलो मैं इसको, अब ये क्या होगी बेटा, आर्ची स्पोरियल ये हमने बनाया, अब पूरा इस तरह का स्ट्रक्चर ले लिया इन्होंने। ओके बेटा, तो यहाँ पे एपिडर्मिस सेल्स बना लेना। अब यहाँ पे पैराइटल सेल ने डिवाइड किया, ठीक, अंदर ये क्या हो गया, स्पोरोजिनस टिश्यू हो गया। क्या हो गया बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू हो गया यहाँ पे। और यहाँ पैराइटल ने इसके साथ की जो तो पहली लेयर बनेगी, पहले तो बाहर वाली लेयर बनेगी, तो हम यहाँ से कंटिन्यू करें, एक सिंगल लेयर के अंदर ये कौन सी लेयर बना दी है बेटा इन्होंने, टैप्टम, जो स्पोरोजिनस को कौन सी लेयर कवर कर रही है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो टैप्टम आंसर हो जाएगा। दो या तीन लेयर, दो या तीन लेयर इस तरह से, ये कौन सी लेयर बना दी बेटा, मिडल लेयर बना दी है। और ये जो होगी अंदर वाली एक सिंगल लेयर में, इसके साथ कंटिन्यू चलेगी बेटा इधर, क्योंकि पूरा का पूरा ऐसे ही, क्योंकि बढ़ता हुआ चला जाएगा, अंदर ही कनेक्टिव परमानेंट आ जाएगा, बाकी पूरी की पूरी में यहाँ पे क्योंकि डिवाइड होगी, तो यहाँ पे कौन सी लेयर बनेगी, एंडोथीशियम लेयर। एंडोथीशियम एक जगह नहीं है, यहाँ पे एंडोथीशियम कॉर्नर्स पर नहीं होती है, याद रखना, एंडोथीशियम कहाँ नहीं होगी बेटा, कॉर्नर पर नहीं होगी। और इसे हम स्टोमियम रीजन कहते हैं, जहाँ पर एंथर में एंडोथीशियम नहीं, क्योंकि ये तो सारे यहीं सराउंड कर गई है, एंडोथीशियम इस तरह से होगी क्योंकि पूरी एंथर को कवर करती है, जहाँ ये इस कॉर्नर में, खाली इन कॉर्नर में एंडोथीशियम नहीं है, इन कॉर्नर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमियम कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा इसे, स्टोमियम कहेंगे। जब ये पूरा मैच्योर हो जाता है, अंदर ये क्या बन चुके हैं बेटा, पोलन ग्रेन बन चुके हैं, इमेजिन करो यहाँ से क्या बन चुके हैं, पोलन ग्रेन, जब कंटिन्यूसली पोलन ग्रेन, लाखों पोलन ग्रेन बनेगा, तो ये क्या होता है, इसमें वाटर कंसंट्रेशन खत्म होनी शुरू हो जाती है, सारी न्यूट्रिशन कैपेसिटी खत्म होनी शुरू हो जाती है, और अभी एंथर फट जाता है। क्या होगा, एंथर फटेगा, डहिसेंस होगा, फटने के लिए जिससे पोलन ग्रेन बाहर की तरफ रिलीज होंगे, डहिसेंस होगा। तो डहिसेंस हमेशा कौन से पॉइंट से होता है, यहीं से अंतर फटता है, स्टोमियम पॉइंट से होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, याद क्या रखनी है, डहिसेंस टेक प्लेस इन एंथर फ्रॉम द स्टोमियम, और स्टोमियम कौन सी चीज़ है, जहाँ पे एंडोथीशियम नहीं है यहीं पे विद द प्रेशर पड़ता है और ये एंथर फट जाता है, और सारे के सारे पॉलन ग्रेन बाहर की तरफ रिलीज हो जाएंगे। ये सब चीज़ें फट जाती क्योंकि कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है, प्रेशर पड़ता है, लाखों पॉलन ग्रेन क्या होते बेटा यहाँ पे रिलीज होंगे, क्या होंगे, पॉलन ग्रेन यहाँ पे लाखों रिलीज होंगे। ठीक है बेटा, हमने बताया इस तरह से स्पोरोजिनस क्या करेगा, मदर सेल की तरह बिहेव करेगा, और उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे मियोटिकली डिवीजन होगा, और माइक्रोस्पोर टेट्राड और माइक्रोस्पोर टेट्राड अलग होंगे, और पॉलन ग्रेन्स वो बनेंगे, यहीं पर पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं। कौन सी स्टेज के अंदर डाइसेंस होगा पॉलन ग्रेन में, ठीक है भाई, यहीं की पॉलन ग्रेन बनते ही डाइसेंस होना, हम ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
आगे बढ़ा, मेरी बात समझ में आ गई, ये बहुत ईजी है, इसको अच्छे से करना। तो हमने एंथर को क्या बताया है बेटा, सीधी सी बात है, एंथर कैसा है, बाइलॉब्ड है और डाइथीशियस नेचर का है। एंथर का दूसरा नाम हमने क्या बताया है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम बताया है। तो हमने पहले किसकी फॉर्मेशन कर ली, माइक्रोस्पोरेंजियम, फिर हमने क्या पढ़ लिया, माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर के बाद हम क्या पढ़ लिया कि पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन है कैसा स्ट्रक्चर, कैसे किस कौन सी स्टेज पर डाइसेंस होगा, ये हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एंथर माइक्रोस्पोरेंजियम डिवाइड किया, मैरिस्मेटिक सेल कॉर्नर पर जो शिफ्ट हुई, आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड की, पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल्स, पैराइटल ने दोबारा से डिवाइड किया, आउटर एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैप्टम लेयर, दोनों प्रोडक्शन का डिप्लॉयड नेचर की है, टैप्टम पॉलीप्लॉयडी होगी क्योंकि नरिशमेंट प्रोवाइड करना पड़ रहा है। सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो क्या है बेटा, ये यूबिश बॉडी बनाती है जो स्पोरोपोलन लेयर बनाएगी। थर्ड अगर हम बात करेंगे, कैलेज एंजाइम बना रही है, और फोर्थ पोलन किट की फॉर्मेशन करती है, और स्पोरोजिनस ये नरिशमेंट ले रहा टैप्टम से, बड़ा हो जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल के जैसे बिहेव करेगा, एंड दिस पॉलन मदर सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होगी, एक सेल से चार बनेंगे और कैलोस से ज्वाइंट होंगे, कैलेज एंजाइम उन्हें सेपरेट करेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राहेड्रल सी शेप है वहाँ पे, और उसके बाद जैसे नरिशमेंट लेगा तो स्फेरिकल हो जाएगा और टैप्टम उसको बाहर की कवरिंग बना देगी, तो स्पोरोपोलनिन कहलाई जाएगी। तो ये क्या हो गया बेटा, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन हो गई है। क्लियर सारे बच्चों को? ओके।